इंक्रीज़ हो चुका है। फिर इंटरफेज होती है, आफ्टर दैट इसमें एम फेज में दो फेजेस होती हैं, एक कैरियोकाइनेसिस एक साइटोकाइनेसिस। सो फिर साइटोकाइनेसिस, फिर से इंटरफेज होता है, एंड फिर से हमारी कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होती है, जो कि सेल उसमें क्या होता है, सेल टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाती है। पहले के साइंटिस्ट प्रीवियसली कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज, तो पहले के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे वो पहले जो माइक्रोस्कोप हुआ करते थे वो पहले इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, तो ये बोलते थे जीवन में जो भी चेंजेस आते थे तो ये बोलते थे कि रेस्टिंग फेज में, वहाँ पे जो सेल जो होती थी वो रेस्टिंग फेज पर रहती है, लेकिन चेंजेस अकर ड्यूरिंग दिस फेज आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। जो चेंजेस हुआ करते थे हमारी सेल में वो हमें पता ही नहीं हुआ करते थे पहले के साइंटिस्ट, मतलब माइक्रोस्कोप इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, तो बोल रहे थे, वो बोला करते थे कि जो जो जीवन में जो चेंजेस होते हैं वो विजिबल नहीं हो पाया करते।